ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री सवास्वधा नमास्तुते। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आपके सावन के मास की जो चल रहा है उसकी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए आज आपकी वीडियो है, आपकी वीडियो है वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं आपके शुक्र। शुक्र यानी लग्जरियस, शुक्र यानी आपकी सुंदरता, शुक्र यानी आपका वैभव, शुक्र यानी भोग विलासता, शुक्र यानी बहुत कुछ। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ पर रहेगा, कैसे रहेगा इस समय। ठीक है, उसे बता देते हैं आपको। चलिए सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, आपके यहाँ पर आ जाएंगे, आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। ठीक है, चंद्रमा 3 अगस्त को कर्क राशि में, यानी कहाँ पर, यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, चलिए और अब आपका शुक्र 1 अगस्त से सिंह राशि में आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ भी आ जाएंगे आपका शुक्र 1 अगस्त से और सिंह राशि में, और 25 अगस्त तक यहीं रहेंगे। मंगल 26 अगस्त को मिथुन राशि में, और ठीक है अभी इस समय मंगल कहाँ पर विराजमान है, आपके स्वयं आपके लगन में विराजमान है। ठीक है, यहाँ पर, और कहाँ पर आ जाएंगे आपका 26 तारीख को आपके यहाँ पर आ जाएंगे मिथुन राशि में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी वीडियो। आपके गुरु और आपके मंगल कहाँ बैठे हैं, आपके लगन में बैठे हैं। गुरु यानी आपके गुरु से हम संतान को देखते हैं, गुरु से हम धन को भी देखते हैं, गुरु से हम बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं। मंगल यानी आपके सेनापति, मंगल यानी आपकी पावर। कहाँ पर विराजमान है, आपके लगन में विराजमान है। लगन में विराजमान होने का मतलब क्या हुआ, लगन में विराजमान होने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इससे जो आपको पावर, इससे जो आपको बल जो मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं आपके शरीर में, आपके शरीर में कहीं ना कहीं इससे आपको फायदा होगा, कहीं ना कहीं स्वस्थ आप रहेंगे और अच्छे रहेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके धनभाव की। धनभाव पे 4 दिन बाद आप देखेंगे आपका 26 अगस्त को यहाँ पर आ जाएंगे मंगल। तो यहाँ पर मंगल आने का मतलब क्या होगा, यहाँ से सीधे कहाँ देखेंगे, मंगल को 3 दृष्टि प्रदान है, 3 दृष्टि देख लेते हैं इस समय आने के बाद कहाँ पर पड़ेंगी ये 3 दृष्टि। ठीक है, चलिए पहली दृष्टि देख लेते हैं, 1 2 3 4 कहाँ पर पड़ेगी, आपके संतान पक्ष पर पड़ेगी पहली दृष्टि जो पड़ेगी आपकी। ठीक है, अगली दृष्टि देख लेते हैं, अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। ठीक है, अष्टम भाव यानी आपकी जो गुप्त विद्याओं का भी भाव होता है, आपकी आयु का भी होता है और आपकी मृत्यु का भी होता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और यहाँ जो राशि विराजमान है, यह राशि आपकी धनु राशि विराजमान है। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि देख लेते हैं, अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, अगली दृष्टि पड़ेगी आपके धर्म पर, आपके भाग्य पर। धर्म और भाग्य पर इस समय दृष्टि पड़ना तो कितना शुभ होगा, आप इसे समझिए। क्यों शुभ होगा, क्योंकि इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप धर्म के नाम पे कुछ भी करते हैं तो इसका आपको पूर्ण रूप से फल मिलेगा, पूर्ण रूप से आपका भाग्य चमकने का काम करेगा। एक चीज़ दूसरी, मंगल को हम भोले की संतान के रूप में भी देखते हैं, तो ये भी एक आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने देखा तो इसका भी हमें बल मिलेगा और इससे भी हमें सहयोग मिलेगा, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए गुरु आपको दृष्टि प्रदान कर ही रहे हैं, गुरु की भी दृष्टि देख लेते हैं, गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ रही है। पहली दृष्टि देख लेते हैं गुरु की कहाँ है, 1 2 3 4 5 पहली दृष्टि आपकी गुरु की संतान पक्ष पर पड़ रही है, तो गुरु से हम संतान को भी देखते हैं, तो यहाँ भी गुरु का हमें साथ मिलेगा और भाग्य का भी साथ मिलेगा और बुद्धि का भी साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि देख लेते हैं, अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पर पड़ने का मतलब क्या हुआ, सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब हुआ ये भाव आपकी पार्टनरशिप का होता है और आपके आपके आपकी मैरिज होम मैरिज का भी होता है, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, मैरिज का होता है, आपके व्यापार का भी होता है, व्यवसाय का भी होता है, आपकी यात्राओं का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ भी इनसे फ़ायदा मिलेगा। क्यों फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये राशि भी आपकी विराजमान है। राशि आपकी कौन सी विराजमान है, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि विराजमान है जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और यहाँ इनका साथ मिल रहा है तो यहाँ भी इनसे आप फायदा ले लेंगे। ठीक है, लेकिन उपाय के तौर पर हमने आपको पहले ही बताया था, उपाय के तौर पर एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहें और 5 लड्डू का भोग और चोला अगर चढ़ा सकते हैं मंगल के मंगल, तो आपके लिए बहुत अति उत्तम होगा और बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं, अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, अगली दृष्टि भी आपकी
यहाँ पर आ रही है, आपके भाग्य पर आ रही है और आपके धर्म क्षेत्र पर आ रही है। ठीक है, तो धर्म क्षेत्र पर पढ़ना दृष्टि, आप इसका भी क्या होगा, इसका भी आपको फायदा मिलेगा। और धर्म के स्वयं अपने कोलम पर, अपने भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, नवम भाव पर। नवम भाव में हम इस देखते हैं, इसे ही देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ भी इनसे आप फायदा ले लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपके इस समय जो सबसे ज़्यादा आपका काम वाला मतलब भाव है, उस भाव को समझ लेते हैं। आपका इस समय जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में तीन तीन ग्रह आप देखिए बैठे हैं, विराजमान हैं, और तीनों के तीनों मित्र हैं। बुध क्या है, बुध व्यापार है। शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरियस है, आपका वैभव है और आपका सुंदरता है और आपका मान सम्मान है, बहुत कुछ है। सूर्य क्या है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपके ग्रहों के राजा है और सूर्य पिता के कारक भी हैं। और कहाँ पड़ रही है, सीधी दृष्टि आपके सामने पड़ रही है, इन तीनों की दृष्टि। इन तीनों की दृष्टि सामने पड़ने का मतलब आपके कैरियर भाव पर दृष्टि पड़ रही है, और कैरियर भाव किसी भी आदमी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस समय तीन तीन ग्रह की, क्योंकि बुध से हम व्यापार को भी देखते हैं, कैरियर का मतलब क्या हुआ, कैरियर में व्यापार भी आ गया, कैरियर में नौकरी भी आ गई, कैरियर में आपका सब कुछ आ गया। ठीक है, चलिए शुक्र यानी आपको हर चीज़ की पूर्ण प्राप्ति होगी, ये भी आपकी यहाँ भी दृष्टि पड़ रही है। और सूर्य, सूर्य भी आपके साथ साथ वहाँ रोशनी डाल रहे हैं। कहाँ पर डाल रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने डाल रहे हैं। और सूर्य आपने देखा, सूर्य जिस घर में भी प्रकाश करते हैं वो घर वैसे प्रकाश में हो जाता है, तो यहाँ भी इनका फायदा ले लेंगे। ठीक है, तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं ये भाव आपका पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब यश, प्रसिद्धि, आपका रोजगार और आपका कर्म, यहीं से आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए आपका मैरिज लाइफ का भी हो गया, आपका संतान पक्ष का भी हो गया। अब बात कर लेते हैं आपके क्या कहते हैं पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव में जो आपकी राशि विराजमान है, वो स्वयं जो आपकी चंद्र राशि यानी आपकी कर्क राशि में चंद्रमा अपने आप विराजमान है, तो राशि उनकी ये होती है और वहीं पर वो विराजमान है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और चंद्रमा का मतलब क्या हुआ, अगर कर्क में विराजमान है, चंद्रमा आपका मन होता है। ठीक है, तो मन को सही करने के लिए और चंद्रमा को सही करने के लिए ये जो समय चल रहा है, ये बड़ा ही उत्तम समय चल रहा है। अगर इस समय का आप पूर्ण रूप से फायदा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा होगा। क्यों होगा, आप समझ लीजिए। आप जब इस समय जो सावन का मास चल रहा है, और सावन के मास में भोले को जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, या बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप चढ़ाते हैं, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं इससे क्या होता है, चंद्रमा कहीं ना कहीं शांत होता है। चंद्रमा आपके लिए सही रहेगा इस समय। क्यों सही रहेगा, क्योंकि भोले का समय चल रहा है और सावन का मास चल रहा है, जो भी आप दूध दही जल वगैरह चढ़ाएंगे उससे आपके चंद्रमा को कहीं ना कहीं शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी और ठंडक मिलेगी, आप ऐसे अंदाज़ा, और ये आपके कहीं ना कहीं फेवर में काम करेगा। ठीक है, और आमतौर पर आपकी सारी वीडियो हमने आपको बता दी। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी हम आपसे पुनः प्रार्थना कर रहे हैं, सावन का मास है, सावन के मास में कोशिश करें माँ की और भोले की पूजा जरूर करें, माँ की भी पूजा साथ में जरूर करें, मतलब ये आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।